यादव जी कहाँ से आए हो? हम दुबई से आया। दुबई में कहाँ रहते हैं आप? हम आबू धाबी रहता हूँ। आपका खुद का घर है? नहीं, वो कंपनी का है। ठीक है, कितना समय हो गया आपको? हमको वहाँ 25 साल हो गया। 25 साल, ठीक है। हमारा घर है यूपी में, देवरिया जिला। देवरिया जिला यूपी। हाँ। और मूल घर कहाँ पे? खरारिया, ग्राम खरारिया। ग्राम खरारिया। हाँ, खरारिया। खरारिया। घर में मुखिया आप हैं? मुखिया हम ही हैं। नाम बताइए। श्री कृष्ण यादव। ठीक है, अभी गांव में कौन रहता है? माँ है, मानी पूरा फैमिली है। अच्छा, माँ का नाम बताइए। सुखरादी यादव। सुखरादी। बहुत समय से दिक्कत है, माता जी से पहले से भी दिक्कत है। माता जी की क्रिया सब पे आ रही है। माता जी पे बहुत समय से क्रियाएं करा रखी है। घर में कम से कम 40-42 सालों से दिक्कतें हैं। अभी 20 और 22 सालों से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है घर में, और 4 सालों से तो पैसा भी नहीं बच रहा है। आर्थिक समस्या, आर्थिक बंधन, यंत्र क्रिया और गणित क्रिया तीनों करा रखी है घर में। दो तांत्रिकों द्वारा चीजें भेजी जाती है, हिंदू और मुसलमान। मुस्लिम क्रिया अभी अभी होनी शुरू हुई है, लगभग 5 सालों से, लेकिन हिंदू क्रिया आपको घर में कम से कम 40 सालों से हो रही है। पहले गणन की क्रिया करके आपको 4-5 प्रेत भेजे थे, जो आपने पहले ठीक करा लिए इधर उधर जाके। लेकिन अभी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जो दोबारा क्रिया बैठा के आपके पीछे पैसे जिस महिला ने लगाए हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर तांत्रिक है। उसने बहुत ज्यादा चीजें बेकार कर रखी है, ना खाने देता ना सोने देता, शरीर पूरा खराब कर दिया है। जड़ जड़ में बसा दिया है, प्रेत पूरा खाने में दिया है, और फोटो के माध्यम से तो तीन औरत प्रेत और एक आदमी प्रेत भेज रखा है, जिसमें से एक मुसलमान है और 3 हिंदू है। अच्छा, बहुत समय से क्रियाएं भेज रखी है और ये शरीर में अब रम चुके हैं, धीरे धीरे निकलेंगे। हो सकता है 15 से 20 क्रिया भी करनी पड़ जाए, तब धीरे धीरे आराम आएगा। आपको रहना पड़ेगा काफी दिन तक, तब जाके ये चीजें ठीक होंगी। सारे पितरों में से सिर्फ एक बड़ा पितर मदद करता है, वो भी पिताजी पक्ष का, बाकी और कोई भी मदद नहीं करता। 4 कुल मिला के पितर है, जिसमें से एक ही काम करता है, 3 एकदम खराब है। शरीर में अभी 2 चीजें खेलती हैं, एक आदमी प्रेत है और एक औरत प्रेत है। आदमी प्रेत जो है वो छाती से ऊपर सारा दबाव करता है, और जो औरत प्रेत है नाभि के नीचे पैरों में, और सारा जलन, चुभन, घबराहट, घुटन, धड़कन बढ़ाना, ये सब औरत प्रेत के काम है। यहाँ तक कि दिमाग भी खराब करके रखते हैं, मलिन विचार आते हैं, और शरीर में एकदम चुभन और गंध आती होगी। हाँ, गंध आती है, वो पेशाब घिंचता है। हाँ। गंदा चीज घिंचता है नाक से, और खाना लेके भाग जाते हैं। आज 19 दिन हो गया, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज 19 दिन हो गया मेरे को। खाता हूँ जितना हम खाना खा लेता हूँ, वो खाना लेके पता नहीं कहाँ जाता है, खाली हो जाता है पेट, एकदम खाली हो जाता है, हम बाथरूम नहीं जाता। औरत प्रेत के हिसाब से होता है। आज से हम इलाज तुम्हारा शुरू कर देते हैं, क्रियाएं काटनी शुरू कर देते हैं, ठीक है? आज लगातार इसकी 6 किलो कटवा दियो विशाल, ठीक है? विशाल से बोलना कटा दे। क्या नाम है? ये घर का तांत्रिक है कि बाहर का तांत्रिक? एक घर का तांत्रिक है, एक बाहर का है। एक घर का तांत्रिक है। हाँ, और वो बुढ़ी कैसे, वो जो औरत भी है इसमें तांत्रिक? हाँ, एक जो क्रिया कराती है वो तो मेन औरत ही है। जिसने गणन की क्रिया भेज रखी हो तो औरत ही है, बूढ़ी सी है। और सूट साड़ी दोनों पहन लेते हैं, साड़ी ज्यादा पहनती है। अच्छा, फैमिली से है, थोड़े छोटे करके एकदम बेकार सी लगती है, जैसे विधवा है। उसने ज्यादा क्रिया कंफर्म बताइए कि वो विधवा है कि बिल्कुल तैयार व्यार नहीं होती, बिल्कुल सादे सिंपल रहती है, और बहुत झगड़ा करती है। हमारे घर में है कि हमारे घर की बाजू में है? थोड़ा सा बगल में है। बगल में बिल्कुल घर का। मैं थोड़ी घर की पहचान बता देता हूँ, पुराना घर बता रहा हूँ क्योंकि पुरानी क्रिया है, ठीक है? पूरा आंगन आंगन खुला है उसका, पीछे की तरफ कमरे बने हुए, एक पेड़ भी है बाहर की तरफ, और पीछे की तरफ ही ज्यादा रसोई है। मतलब जिस घर में, जिस कमरे में सोते उसके बगल वाले कमरे में ही रसोई बनाई हुई है, बैठ के रसोई बनाते थे। अच्छा, पुराना तो वो उनका घर है। एक खटिया भी रखी हुई है बाहर की तरफ, और एक पता नहीं जैसे पानी की मोरी नहीं होती ऐसी बनी हुई है वहाँ पे सामने, घर की सामने, घर के सामने चौक पे उन्होंने क्रिया करा रखी है। अच्छा, वो उसका लड़का है, हम बता रहे हैं, उसका लड़का है,
श्रीकंत नाम है। तो ये लोग आप पे क्रिया करते हैं, हम आपकी क्रिया पहले ठीक करते हैं, उसके बाद आपको भेजेंगे सुखी सुखी। और जो तांत्रिक है, जो तांत्रिक है वो मशान घाट रहता है कि कहाँ रहता है आप देखिए? ज्यादातर तो मशान की क्रिया करता है ये। हाँ। क्योंकि मिट्टी विट्टी उठाना पुतला जलाना इसका काम है। हाँ। ठीक है, घर तो बहुत ही कम आता है, इसने त्याग दिया है, अब ग्रस्त है वैसे लेकिन त्याग दिया है, ये ज्यादातर शमशान घाट में रहता है। ना मोटा है ना पतला, ठीक ठीक लगता है, लंबाई बढ़िया है इसकी, दाढ़ी मूछ कभी कभी रखता है, कभी साफ कर देता है, ज्यादातर कुर्ता या धोती जैसा ही पहनता है, पहनता है। पहले चोटी भी रखी थी लेकिन अब बाल बढ़ा लिए इसने। अच्छा आ जाओ, बस इससे ज्यादा नहीं बताता। अच्छा ठीक।